कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं भिलाई दुर्ग जिले से। कहाँ पड़ता है ये? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से? जी इनका छत्तीसगढ़ से। यहाँ का पता कैसे मिला था आपको? यूट्यूब से। दूसरी बार आ रहे हैं? हाँ। पहली बार आए थे, चेक करा के जड़ी बूटी लेके गए, ऊपर का करवा के, अभी दूसरी बार आ रहे हैं। हाँ। तो पहली बार जब आप काम करा के गई थी तो कुछ फायदा हुआ है? कितना फायदा हुआ है? 100 में से कितना फायदा हुआ है? कितना? तेज बोलिए थोड़ा, माइक पास कर दीजिए। कितना परसेंट फायदा हुआ है? मतलब 1 रुपया फायदा। 1 रुपया? 100 में से 1 रुपया? हाँ। मतलब समझे नहीं हम। नहीं नहीं, कितना फायदा हुआ? 54 या 58? मतलब 54 है। 25%? 100 में से 25% तक फायदा मुझे भी लग रहा था। अच्छा, आप भी अपना इलाज करा के गए थे? जी नहीं, अभी पहली बार। अच्छा, आप पहली बार करा? पहली बार इसको कराने आया था। सिर्फ इनका कराए थे आप? चेकअप कराया था इनका मेरा। अच्छा, सिर्फ चेकअप आप लोग करा के गए थे, इनका हमारा भी निकल गया, तो हम इस बार करा रहे हैं। इस बार करा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि 40% फायदा हुआ है? हाँ। क्या दिक्कत होती थी इनको पहले? ये सोए रहती थी, तबीयत खराब हो जाता था, खून की कमी हो जाती थी, काम मतलब पूरा शरीर बेकार हो जाता था। तो डॉक्टर को नहीं दिखाए थे आप? डॉक्टर में तो कम से कम 3-4 लाख बर्बाद कर, 3-4 लाख बर्बाद कर दिए। तो डॉक्टर क्या बोल रहे थे? डॉक्टर इलाज करते हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं, फिर खून की कमी हो जाती थी, वैसे ही चल रहा है अभी। बस वैसे ही हो रहा था, अभी मैं देख रहा हूँ कुछ ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि कुछ ठीक है? यहाँ पे आपका कितना खर्चा हुआ पहली बार में इनका और दूसरी बार में मिला के? 4200 रुपया खर्चा हुआ, इस बार 8000 के आसपास आया। तीनों सिर्फ इनका बताइए, तीनों का 4200 रुपया हुआ था पिछली बार, और आज का 1500? आज का 1500। मतलब फायदा है यहाँ पे। पंडित जी क्या बताया था उल्टी में, क्या निकलेगा? चावल उल्टी से हुआ है? हाँ, ये चावल निकला है। उल्टी से भी हो सकता है, बाथरूम के थ्रू भी हो सकता है। अगर उल्टी से हो तो फोटो वीडियो बना के आकर हमें दिखाइए, हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। हाँ? खोल के दिखाइए। तो इनको उल्टी से कुछ हुआ, वाइट वाइट कुछ निकला? हाँ। क्या हो गया इसका? नाक लंबा रहता है, उजर उजर 2 दिन निकला ये उल्टी से निकला। पंडित जी चावल बताए थे निकला है? पंडित जी चावल बताए थे। ठीक है, वीडियो बन रही, नेट पे जाएगी, पता है। हाँ, ठीक है। कितने फोन करके पूछते हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, त्योहार चल रहा है, आज क्या है? ईद है, ईद है ना। कोई आए चाहे ना आए, हमारा सारा स्टाफ यहाँ ड्यूटी करके चले जाएंगे, कोई ना हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आने के पहले तो ईद, बकरीद, मुहर्रम, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, आंधी तूफान बारिश, मुझे यहाँ आना है। जनता आए और चाहे ना आए, गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूँ। कितने तो गारंटी वही पे मांगते हैं और उनको डिलीट कर देता हूँ, जा भाई, और सब पे हाजिर हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत से बेवकूफ़ कहते हैं कि अरे हाजिर नहीं हुआ तो पता नहीं चला तो फ़ायदा क्या है। तो मैं उनको बोलता हूँ, पैसा वापस लेके घर भाग जाओ, बड़े बाबा के यहाँ जाओ। मैं छोटा सा बाबा हूँ, जीरो, छोटा सा बाबा हूँ, और किसी भी व्यक्ति को गारंटी देता नहीं हूँ। कितने तो हम आधा तो फ़ोन ही पे उनको डिलीट मार देते हैं। मैं बहुत दूर हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ, भैया आपके पास 2 ऑप्शन हैं, वीडियो कॉलिंग से भी करा सकते हो और आके भी करा सकते हो। तो उस पर ये बोलते हैं, वीडियो कॉलिंग से हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा, मतलब गारंटी मांग रहे हो एक तरीके से ना हमसे। मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है, बनारस आओ, समझ में आए तो, नहीं आए तो जाओ। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देते। तो आधा तो दिन भर हम ऐसे ही ऑनलाइन वाले को उड़ा देते हैं, अरे गलती हो गया। यहाँ गलती नहीं होती है, यहाँ डिलीट हो जाता है, अब नहीं होगा, यहाँ आओ या कहीं आओ, ऑनलाइन तो नहीं करेंगे। शक कर रहे हो ना, किस पे कर रहे हो? मालिक पे। हो जाता है, हो जाएगा, दोनों पे मुझे आपत्ति है। वीडियो बनाने का, बताने का जनता का मकसद है हमारा, ये गलती ना करें लोग। बाबा जी लिखा हुआ है ना उसमें, आप पढ़े होंगे, लोग बहुत कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, मुझे उस पर आपत्ति है। बाबा जी लिखा हुआ है, बाबा जी। अब फोन लगाएंगे बेकूफ लोग तो जल्दी फोन उठ गया तो आपको बोलना है ना हेलो, कि हमें बोलना है। हाँ, तो यही गलत है ना,
हम तो यहाँ तक कहते हैं, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो इधर। मैंने अपने लड़के को बोला है कि अगर डेट वाले दिन यानी जिस दिन हम बैठते हैं उस दिन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो हमारी लाश को एक साइड लगा देना, सारी जनता को देखने के बाद मुझे फिर ठिकाने लगाना। मेरी बात समझे? ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इनका क्या होगा? दूर दूर से आ रहे हैं, आप पटना से आए हो, कोई विदेश से आया है, तो हम मेरे चक्कर में इनका काम मत रोको, मुझे साइड लगा दो, भूल जाओगी बाबा जी मर गए, पहले सारे जनता को देख लो उसके बाद मुझे ठिकाने लगा दो। सही है? मैं इसी वसीयत करके जाऊंगा कि अगर डेट वाले दिन मैं मरता हूं तो पहले जनता को देखो बाद में मुझे। सही है ना? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, पहले हमारी जनता सुखी होना चाहिए। सूरजपुर, सूरजपुर भटगांव, सूरजपुर से आया था और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा नेट पे जरूर डालेंगे, अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हो। तो लोग कहते हैं नहीं हाजिर हो जाए पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, तो नहीं टाइम जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए, तो हाजिर हो जाता है नाम खुल जाता है तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ या तो वीडियो बनाना बंद कर दूँ या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दूं। तो क्या करना चाहिए, वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें? नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है। वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना। और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम दो चार बार बोलते ही रहते हैं, तो आप लोग सब वीडियो ही देखते यहाँ आए। जो भी आए डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाओ वो चलेगा। नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी, आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है नहीं भी होता है, आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ, हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे, जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई रात को वहाँ आप लोग भुगते हो, अगर मौत हो जाए छीनना झपटी हो जाए तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो गए। नेट पे मेरा लिखा हुआ है 2 दिन, गुरुवार और रविवार 2 दिन, 9 बजे खुला, आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। एक भूत मारने का खर्च, विदेशियों के लिए भर्तियन पैसा 2,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर, और बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज, जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। नोट, इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए, वा भरत सरकार को लाभ पहुंचेनिए, यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार, टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक, 2 बजे के बाद टोकन ही मिलेगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1,000 रुपीज,
और विदेशियों में मरीजों के लिए 10,000 रुपए एडवांस में जमा करना होगा। और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा। इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा, दोनों में कोई भी कर सकता है। इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट, 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्ति यू को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।